सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्जाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का अपने चैनल एग्जाम मंथन 24/7 पर स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और तैयारी अपनी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, हम पहले अभी सिंप्लीफिकेशन पार्ट 1 और सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2 कर चुके हैं। उसमें हमने लगभग 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस करे थे, ठीक है। तो हमने उसमें ये सीखा था हम क्वेश्चंस को किस तरह से जल्दी करें। आज जो हमारी वीडियो है वो है सिंप्लीफिकेशन पार्ट 3। इस वीडियो में हमारे एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं और उन्हें हम ये कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं, यानी टाइम मैनेजमेंट हम किस तरह से कर पाएँ जिससे ये क्वेश्चन आसानी से और जल्दी हो सके, टाइम भी बचे। देखिए, मैं क्वेश्चन बता दूं आपको, कुछ इस तरह से हैं। जैसा आप देखते होंगे, आपने ये सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे, इन्हें हम जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और ये दिल्ली पुलिस वैकेंसी जो आई है अभी, दिल्ली पुलिस वैकेंसी 2020, इसके लिए ये वेरी यूजफुल वीडियो है। वहाँ पर मैथ आप 15 नंबर का आएगा, आप सभी को पता है, वहाँ पर सिंप्लीफिकेशन भी आएगा, तो उसके लिए यूज़फुल वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 1 upon 1 plus 1 upon 1 plus 1 upon 1 plus 1 upon 5। अगर हम इस क्वेश्चन को जल्दी करने की कोशिश करें, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं एक बेसिक मेथड, किस तरह से हम फ्रैक्शन सॉल्व करते हुए जाते हैं। देखिए, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे 1 में और फिर 1 को जोड़ोगे तो ये आएगा आपका 6 upon 5। 5 आपका यहाँ पहुँचेगा और 6 यहाँ रह जाएगा। फिर इस 6 की आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 6 और 5 11, यहाँ 11 पहुँचेगा, यहाँ 6 पहुँचेगा, ठीक है। 11 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, 11 plus 6 17, और 17 के बाद 11 यहाँ पहुँचेगा। तो आपका जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो आएगा 11 upon 17। अगर हम इस क्वेश्चन को जल्दी करने की कोशिश करें तो किस तरह से करेंगे, इस चीज़ पर आप गौर दें, ठीक है। आपको हर तरह के क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। देखिए, ये है आपका 1 upon 5, तो मैंने यहाँ 1 लिखा और यहाँ पर फिर मिलने का 5। अब यहाँ देखिए कितने 1 हैं, 1, 2 and 3, ठीक है। तो आप यहाँ 3 डॉट्स लगाइए, 1, 2 और 3। आपको क्या काम करना है, इस वाले नंबर में इसको जोड़ना है और यहाँ लिखना है। तो 5 और 1 कितना होगा, 6। देखिए यहाँ सभी साइन कितने हैं, प्लस के साइन हैं, तो हम सब में टोटल प्लस ही करेंगे। अब यहाँ तो 6 आ गया, अब अगला वाला जो नंबर आएगा यहाँ पे वो इस वाले नंबर में इसे जोड़ो तो आपका आएगा 6, 5, 11, ठीक है। आपका 11 आया और 11 में आपने फिर यहाँ पर 6 जोड़ा तो आपका फिर आएगा 17, ठीक है, यहाँ आया 17। अब आपको करना क्या है, करना ये है कि आपने जब इस 1 upon 5 को लिखा था तो 1 upon 5 में 1 पहले, 5 बाद में लिखा था। देखिए, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो इसी तरह से जो 11 है वो पहले और 17 बाद में, यानी 11 upon 17, ये आपका आंसर आएगा 11 upon 17, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैंने बहुत इजी क्वेश्चन लिया था, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर लास्ट में जो टर्म है 1 upon 3 है, हमें इसी से मतलब है, 1 upon 3 का मतलब 1 लिखो और यहाँ पर 3 लिखो, इसके बाद में नंबर ऑफ 1s जोड़ो, 1, 2, 3, 4 and 5। तो आपको यहाँ 5 डॉट्स लगाने हैं, 4, 5, ठीक है। इस 3 को 1 में जोड़ोगे आपका आंसर आएगा 4, इस 4 में इस 3 को जोड़ोगे यहाँ आएगा 7, इस 7 को इस 4 में जोड़ोगे तो यहाँ आएगा 11। ये आपको नंबर जोड़ते हुए जाने, 11 को 7 में जोड़ोगे तो वह आएगा 18, और 18 में 11 को जोड़ोगे तो वह आएगा आपका 29। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 11 upon 29 हो जाएगा। देखिए, ये आंसर आएगा इस पूरे क्वेश्चन का 11 upon 29। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, अगर आपसे इसकी वैल्यू ना पूछे, इस एक को हटा दे, नीचे वाले की वैल्यू पूछे, तो ये इसका जस्ट अपोजिट उल्टा हो जाएगा, 29 upon 11। देखिए यहाँ पर ये 1 upon 29 upon 11 रहा होगा, तभी इसकी वैल्यू कितनी आई होगी, 11 upon 29। हम इस 1 को यहाँ से हटा दें, इस फ्रैक्शन को हटा दें, नीचे वाले की वैल्यू निकालनी हो हमें, तो हम इसका उल्टा कर देंगे, यानी 29 upon 11। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए, ऐसा भी हो सकता है आपको क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर है 2 upon 3। तो आपको क्या काम करना है, 2 यहाँ लिखना है, 3 यहाँ लिखना है, नंबर ऑफ वंस 1, 2, 3, 4, 5, 5 डॉट्स लगाइए, 1, 2, 3, 4 और 5।
इस तीन में इस दो को जोड़ेंगे तो आएगा पाँच, वो लिखेगा आप यहाँ पर। इस पाँच में इस तीन को जोड़ोगे वो आएगा आपका आठ, तो वो लिखोगे आप यहाँ पर। इस आठ को पाँच में जोड़ोगे तो आपका आएगा तेरह, वो आप यहाँ लिखोगे। तेरह को आठ में जोड़ोगे तो वो आएगा आपका इक्कीस, इक्कीस को आप यहाँ लिखोगे। इस इक्कीस में तेरह को जोड़ोगे तो आपका वो आएगा चौंतीस, ठीक है। अब आपने जब यहाँ से फ्रैक्शन ली थी तो दो बटे तीन था, यानी कि दो पहले लिखा आपने, तीन बाद में लिखा, दो पहले और तीन बाद में। तो इसी तरह से यहाँ पर 21/34 लिखा जाएगा, क्योंकि 21 पहले और 34 बाद में। तो इसी वजह से इसका जो आंसर बनेगा आपका वो आएगा 21/34। अगर आपसे इस क्वेश्चन का ना पूछ कर आंसर, इसे हटा दे, देखिए इतना हिस्सा जो मैंने आप ब्रैकेट में लगा रहा हूँ, इस हिस्से को हटा दे और इस नीचे वाले की वैल्यू आपसे पूछे, तो जस्ट अपोजिट इसका होता, 20 34/21, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन इस तरह से करने हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस वाला। अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, प्लस वाले क्वेश्चन। अब की बार माइनस वाले क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पर है 1/4, तो हमने क्या काम करा, वही बिल्कुल सेम जो हम पहले करते आए थे। 1/4 का मतलब 1 और 4 लिखा हमने। अब हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन में जब प्लस था तो हम प्लस कर रहे थे, यहाँ पर हमें माइनस करना है। देखिए 1, 2, 3 और 4, चार एक है यहाँ पर, तो 1, 2, 3 और 4, हमने चार ही डॉट लगा लिए। अब इस चार को, चार से एक को घटाओगे तो आपका बचेगा तीन, ठीक है। अब इस तीन में से इस चार को घटाओगे, यानी कि 3 - 4 करोगे, तो आप सभी जानते हैं प्लस के 3 हैं, माइनस का 4 है, तो इसका मतलब माइनस का 1 बचेगा, तो यहाँ बचा -1। अब इस -1 में से आप इस माइनस इस 3 को घटाओगे, -1 में से आपको 3 घटाना है, तो दोनों चिन्ह नेगेटिव हैं, तो ये माइनस के 4 हो जाएगा, तो आपको यहाँ लिखना है -4। अब आपको क्या करना है, इस -4 में से इस -1 को घटाना है, यानी कि -4 में से हम -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -4 + 1 विच इज़ -3, आपका आ जाएगा ये -3। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो यहाँ पर ये पहले और ये बाद में, यानी कि अंश है ये हर है, तो -4/-3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और आपका आंसर आ जाएगा 4/3। इस पूरे का आपका आंसर आया 4/3। अगर आपसे इस नीचे वाले का वैल्यू पूछे तो आपको नीचे वाले की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3/4, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलो ये तो क्वेश्चन हो गया इस तरह से। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर प्लस भी आ जाए और यहाँ पर दो भी आ जाए, तीन भी आ जाए, यहाँ एक की जगह पर यहाँ 2, 3, 1 भी आ सकते हैं, माइनस भी आ सकता है एक क्वेश्चन में। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप किस तरह से करोगे, आपको वही चीज़ देखनी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले वही काम जो हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे थे, 1/4 का मतलब 1 लिखा यहाँ पर, यहाँ पर 4 लिखा हमने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले 1 था, यहाँ भी 1 था और यहाँ भी 1 था, तो अब यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो आप जैसे ही क्रम में आपको यहाँ लिखने हैं, ये 2 यहाँ लिख दिया इसके ऊपर, इसके आपने आगे लगा दिया प्लस, क्योंकि प्लस का साइन है यहाँ पर। अगली बार में आपका 1 है तो 1 के आगे प्लस लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है। अब की बार आपने 3 लिखा और यहाँ पर है माइनस, यानी कि जहाँ माइनस का मतलब है वो घटाना है और जहाँ प्लस लिखा हुआ है वह वो जोड़ना है। देखिए 4 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे, 4 × 2 = 8, और 8 में इस 1 को जोड़ोगे तो वो आएगा आपका 9, ठीक है, आपका आ गया ये 9। अब इस 9 के ऊपर कितना है, यहाँ पर 1, 9 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 9 × 1 = 9, और इस 9 में इस 4 को जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 13, यहाँ हो गया 13। अब इस 13 की मल्टीप्लाई आप 3 में करोगे तो वो आएगा आपका 39, ठीक है। अब ये 39 आया, अब यहाँ को यहाँ आपको सब्ट्रैक्ट करना, 39 में से आपको 9 घटाना है, ये वाला, इस 9 को आप घटाओगे, पहले तो आप जोड़ रहे थे क्योंकि यहाँ पर जोड़ प्लस का निशान था, अब यहाँ माइनस है तो हम घटाएंगे, 39 - 9 विच इज़ 30, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा, पहले ये वाला अंक अंश में लिखा जाएगा और नीचे वाले में ये हर में लिखा जाएगा, 13/30। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 13/30। अगर आपसे इस नीचे वाले के आंसर पूछे तो इसका आंसर होगा 30/13, और पूरे का जो पूछेगा आपसे वो आएगा 13/30, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी, अगर नहीं आएगी तो आप एक और क्वेश्चन देखिए। देखिए हमारा एक और जो क्वेश्चन है वो हमारा ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आप इसमें देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को। देखिए हम यहाँ क्या काम करेंगे, 1/4 है, हमने 1/4 किस तरह से लिखा, 1 और 4, ठीक है। यहाँ पर 2 है तो हमने यहाँ 2 लिख दिया, और प्लस का है तो प्लस लिख दिया। यहाँ पर 3 के साथ भी प्लस का साइन है तो हमने यहाँ पर 3 के साथ प्लस का साइन लिख दिया। यहाँ पर 2 प्लस के साइन के साथ है तो हमने यहाँ पर भी 2 प्लस के साइन के साथ लिख दिया। अब इस 4 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे, 4 × 2 = 8, 8 में 1 जोड़ोगे तो वो आएगा 9, ठीक है।
अब इस 9 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे, 9 थ्री जै 27 और 27 में 4 जोड़ोगे आप तो वो आएगा आपका 31। ठीक है, अब इस 31 की मल्टीप्लाई करोगे आप 2 में और फिर से 9 को जोड़ोगे, क्योंकि यहाँ पर सभी में जोड़ है, प्लस का निशान है। तो 31 टू जा 62 एंड प्लस 9 विच इज 71। ठीक है, आपका यहाँ जाएगा 71। अब इसका आंसर क्या होगा आप सभी को पता है, पहले जिस तरह से हमने 1/4 में 1 पहले लिखा था, 4 पहले लिखा था, इसी तरह से यहाँ पर पहले वाला जो आंसर होगा 31 वो ऊपर लिखा जाएगा और 71 जो है वो बाद में लिखा जाएगा। 31/71 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिंपली 1/4 जो लिखा हुआ है आपको, इस 1/4 किस तरह लिखेंगे, 1 और 4 लिख दिया। यहाँ पर 3 है तो इसके ऊपर 3+ लिख दिया, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई इसमें होगी। यहाँ पर 2+ के साइन के साथ है तो यहाँ पर हमने 2+ के साइन के साथ लिख दिया। अब 4 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 4 3 12 और 12 में इस 1 को जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 13। अब इस 13 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे 26 और 26 में इस 4 को जोड़ोगे तो आपका वो आएगा 30। ठीक है, क्या आंसर आया आपका, 13/30। इसका आंसर आपका 13/30 आया। तो ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन थे जो हमें इस तरह से करने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये टाइप समझ में आया होगा। अगर अच्छे लगे तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएं, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है, हम और अच्छा कंटेंट आपके लाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। और वीडियो को हो सके तो लाइक भी करें, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें, या फिर आपके पास कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप हो तो वहाँ पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली फिर वीडियो में सिंप्लीफिकेशन के और क्वेश्चंस के साथ, या फिर उसके बाद फिर हम जल्दी से कुछ नया एक नया टॉपिक लेंगे फिर उसे कंप्लीट करेंगे। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू, नमस्कार।